आज हम बनाएंगे आलू बड़ा। इसके लिए मैंने आलू बॉईल करे हैं। इसमें हरी मिर्च और प्याज का छौंक लगा के इसमें नमक मिर्ची मिलाकर थोड़ा अमचूर डाल के इसका मसाला बना लिया। और ये बनाया मैंने बेसन, नमक, मिर्ची और हल्दी, पानी डाल के ऐसा बैटर बनाना है इस तरह का। अब इसके गोल गोल ऐसे बॉल बना लेंगे और इसमें डिप करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। और बड़ा पाव मेरे पास है तो ये जो पाव का पैकेट है ये बड़ा बनाने के बाद मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। इसको तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें डिप करेंगे ताकि बेसन की लेयर बन जाए और इसमें फ्राई करेंगे। इनको निकाल लेंगे इसके लिए चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने चिली सॉस लिया है। ये शेजवान सॉस है, एक चम्मच ये लेंगे। थोड़ा है टमाटो सॉस, एक चम्मच ही लेंगे। थोड़ी चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा
थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। ये पाव लेंगे, इसको बीच में से कट करेंगे। थोड़ा सा तवे पे घी डालूंगी, आपके पास बटर हो तो बटर भी डाल सकते हैं। और ये जो पाव कट कर रहे हैं इनको सेकेंगे थोड़ा थोड़ा। ये सिक जाएंगे जब इस पर चटनी लगा कर बीच में पाव रखेंगे, ये पूरी तरह अच्छे से सिक जाए। अब ये जो चटनी मैंने बनाई थी इसके ऊपर लगाना है, सारे को लगाना। लगाने के बाद इसके ऊपर बड़ा रखती हूँ और ऊपर इसको रखती हूँ। साथ इसको खाना।
बनाइए, जरूर खाइए, बहुत टेस्टी बता है। ये मिर्ची भी मैं बनाने का तरीका बता दूँगी। ये मिर्ची मैंने बना कर रखी, स्टोर कर रखी हूँ, हम रोटी के साथ खाते हैं इसको।